खुद का गाना पसंद नहीं आ रहा मतलब रिलीज हो गया बढ़िया फिर लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे रिग्रेट हो रहा है इस सॉन्ग पे मुझे एक दो मैंने हिंदी गाने करे थे बीच में लॉकडाउन के दौरान मुझे लगता था मुझे वो एक एक दो गाने नहीं करने चाहिए थे हमारे बड़े ख़ास बंदे ने बोल दिया कि यहाँ चल रही पार्टी इनकी तो लॉकडाउन में कैसे बंदे बीस से ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं हम थे पच्चीस तीस जने तो वहाँ फिर वो आ गए थे पुलिस आ गई थी और बादशाह भाई थे बादशाह भाई निकल गए पीछे से तो ये ज़्यादा बन गया कि बादशाह भाई नहीं भाषा भाई का भाई देखो कहते हैं मौके पे चौका मतलब उनको उनका मन था वो चले गए हमारा मन नहीं था हम भाई वही रहे हाँ तो भाई स्वागत है जनता का नए पॉडकास्ट में थंबनेल में शक्ल देख के और नाम देख के तो आपने ही लिया है तो चलो फिर भी बता ही देते हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं गुरु रंधावा जी एंड एन साइमेकर आज हम बात करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इन एंड आउट म्यूजिक oh. इंडस्ट्री <laughs> में क्या चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है बॉलीवुड पार्टीज खासकर भाई का एक्टिंग डेब्यू है हमारे भाई जी आर मेकिंग द मिडिल क्लास पीपल वेरी प्राउड ही करा जी के साथ, और क्या मांगेगा इंसान भगवान से वाहत तो भाई जी बताओ भाई क्या मोज आ रही है कैसी फीलिंग है आपने भाई इतना कुछ कर लिया मतलब जीरो से लेके अब यहाँ तक आए थोड़ा बताओ भाई क्या फीलिंग है और यू फीलिंग मतलब मुझे फीलिंग आ रही है जैसे दीदी चाय नहीं लेके आए थे हाँ। खुश थे ना हाँ। चाहे जितनी बार मर्जी चाय लेके आए फिर भी खुश हैं तो मैं जितनी बार मर्जी घर से निकलूँ फिर काम पर जाऊँ फिर नया काम करूँ या पुराना रिपीट करूँ या गाना गाऊँ या जब मैं अगर अब एक्टिंग कर रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग कुछ भी करता हूँ तो खुश रहता हूँ और फीलिंग यही है कि यार जैसे किसी को कोई खोई हुई चीज़ मिलती है तो वो जो उसकी वैल्यू करता है आई थिंक मुझे भी मेरी सिंगिंग ने मुझे वो सारी खोई हुई चीज़ें दिलाई हैं और मैं उसकी रोज़ वैल्यू करता हूँ और थैंक यू करता हूँ भगवान का कि यहाँ तक हैं। वाह भाई वैसे आपकी शक्ल आपकी पर्सनैलिटी आपका और बहुत ज़्यादा जेनविन और सच्चा और है मतलब एक साफ़ दिल का आदमी हमें यहीं से दिख रहा है <laughs> <laughs> और आपसे मिलके लग नहीं रहा भाई कि पहली बार मिल रहा है ऐसा लग रहा है पहले मिल चुके हैं बातें हो चुकी है ये आई थिंक ये भी वैसा होता है आप लोगों की भी जर्नी यार हमारे जैसी है जो भी इवन इवन इन दैट मैटर सही की भी या जितने भी कैमरा के बिहाइंड अपने लड़के बैठे हैं सबकी जर्नी वही है टारगेट uh, यही है टू बी ग्रेट हाउ टू बी ग्रेट नेक्स्ट डे हाउ टू बी मोर ग्रेट द डे दैट्स कमिंग तो हम इसलिए रिलेट कर पाते हैं इसलिए वैसी वाली बात है अब कपड़े थोड़े अच्छे हो गए हैं शक्लें थोड़ी अच्छी हो गई हैं बट अगर हो तो हो चुके हैं बाल तो एवन हो रहे भाई <laughs> बट अगर यही दस बारह साल पीछे चले तो हम सब एक जैसे दिखते हैं मुझे लग रहा है और अभी भी वैसे हमारे जैसे कितने यंगस्टर्स कितने लोग जो आपके जैसा बनना चाहते हैं कोई मेरे जैसा है कोई सही जैसा या कोई कैमरा बिहाइंड द टीम बनना चाहता है तो वो भी ऐसे आज की डेट में हमारी तरह ही लगे हुए हैं एक ना एक दिन वो सब ऐसे ही मिलेंगे और यही बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों के बाद यहाँ मिले हुए हैं हाँ भाई एक बात बताओ जब आपके गाने बैक टू बैक हिट चल रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं तो क्यों एक्टिंग मतलब वाई और मोस्टली पंजाबी जो सिंगर्स होते हैं जो पंजाब से आते हैं हाँ। वो पंजाब मूवी मूवी कर लेते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले, ले लेते हैं आपने सीधा बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हो तो क्यों यार इतनी अच्छी हीरोइन हो क्यों ना करेगा कोई तो पहले हीरोइन आपको पता चली थी फिर आपने हाँ करी हाँ पहले शी इनको साइन कर लिया था पहले अच्छा हाँ मेरे पास मूवी बहुत बाद में आई थी बट पता क्या यार आ, जैसे पंजाब में कोई एक गाना हिट होता है दो होते तीन होते तो लोग मूवियाँ शुरू कर देते आर्टिस्ट अपने ना सारे आ, मेरे को काफ़ी टाइम से ऑफर्स थे मूवीज़ करने के बट uh, मुझे लगता था कि मूवीज़ है ना जो ये एक तो मुझे पहले अपनी स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में कि मैं माइंड से स्टेबल हूँ फाइनेंशली स्टेबल हूँ मैं जो फैमिलीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं मैं उनको अच्छे से फीड कर पाऊँ इवन अगर मैं मूवी के लिए दो महीने निकाल भी रहा हूँ शोज़ पे नहीं भी चढ़ रहा हूँ तो मैं उनको uh, वो फैमिली की टेक केयर कर सकूँ इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली एंड माई सेल्फ तो जब वो सेटल हुआ फिर दो में मैं मूवीज़ का तो तगड़ा फ़ैन हूँ मैंने इंडिया का आई थिंक ऐसा बंदा होगा मैं जिसने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं कोई फेवरेट आप बता सको कोई कि भाई ये वाली तो मेरे रॉबर्ट रॉबर्ट की सारी फेवरेव रॉबर्ट एंड तो वो जब 2020 में लॉकडाउन हुआ तो मैं और मूवीज़ देख रहा था बट फिर मुझे लगा यार क्यों ना मैं मूवीज करूँ अब बिकॉज मैं तगड़ा एक्टर हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ तो मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी जस्टिफाई करता हूँ रोल्स को मैंने देखा बहुत कुछ हुआ है और मैं वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ जब भी मैंने भी दो तीन फिल्में कर चुका हूँ अभी आएंगी वो तो बॉलीवुड इसलिए यार बॉलीवुड इसलिए क्योंकि वाई नॉट टू रिप्रजेंट योर कल्चर योर सेल्फ योर ओन स्टेट एट नेशनल लेवल तो मुझे लगा क्यों ना यहाँ से स्टार्ट हूँ और अपॉर्चुनिटी और भी है लोग जानते भी हैं तो इसलिए करा एंड सेकंड पंजाबी मूवीज भी करी हुई हैं अभी दो शूट अच्छा तो भी आएंगी धीरे धीरे अपनी रीजनल भाई ये तो हम भी कह सकते हैं क्योंकि आप म्यूजिक वीडियो में भी जब आप करते हो एक्टिंग हाँ। तो आप कैरेक्टर में होते हो पूरा क्योंकि जब लड़की होती है आपके सामने तो ये हमने नोटिस किया तो आपके ना एक्सप्रेशन एक टक देखते हो आप लड़की <laughs> हो यार ये कुछ स्टाइल है भाई अब लड़की फतेह ही हो तो एक टक ही देखेगा इंसान और कहा देखेगा इंसान सही बात है ये भी सही बात है

बिकॉज अनुपम सर ने बहुत काम करा हुआ है सर के साथ सेट पे होना बहुत बड़ी बात है देन सई ने बहुत काम करा हुआ है पहले एंड देन टू लर्न फ्रॉम देम टू लर्न ये इनको नहीं पता चलता जैसे आप किसी से भी सीख रहे होते हो ना उसको तब पता नहीं चलता कि आप उससे सीख रहे हो बट जब आप नए होते हो आप हमेशा सीखते हो तो मैंने सबसे सेट से बहुत ईला मैम से सीखा है परितो सर से सीखा है अतुल सर से सीखा है आ, परेश सर से सीखा है सब जितने भी सेट पे थे यार मैंने सबसे रोज कुछ ना कुछ सीखा है और आज सीख के यहाँ पे बैठा हुआ आपसे अब हमें ने 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 <laughs> अब हमें सिखाओगे तुम्हें सिखाता ये ये सुनो डायलॉग ऐसे बोलो नहीं अब आपसे भाई आप आप पहले ही तगड़े एक्टर हो कह रहे हो तो आपने सीखा नहीं है या आप तगड़ी एक्टिंग अब कर रहे हो कि मैंने सीखा है नहीं नहीं मैंने मैं तगड़ा एक्टर हूं मैं मानता हूँ बट क्या होता है जब आप सेट पे होते हो ना तो आपको आप जितने मर्जी तगड़े एक्टर हो आपको

बट मुझे होता था कि स्टाइल स्टाइलाइज बहुत तगड़े लेवल पे वो करते हैं अपनी म्यूज़िक वीडियोस को गाड़ियाँ तगड़ी शो करते हैं तो मैंने वहाँ से गाड़ियाँ भी उठाई सारी टी सीरीज ने बहुत पैसे दिए गाड़ियों के <laughs> रेंट के वो करा बट करते करते ना आई डोंट नो कैसे पटोला गाने में ना मलब, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब पता नहीं किसको देखा था मैंने आई थिंक निकी मिनाज यूज़ टू डू बैक इन डेज अच्छा वो तो फिर कुछ और ही करते ही दिखती है मोस्टली <laughs> <laughs> नहीं नहीं क्योंकि आप ऊपर आप ही देखते ना देखो अगर आप मैं भी अब खड़ा हूँ नहीं अब मैं जब वीडियो कर रहा हूँ समझा मेरे घुटने को देख रहे हो तो आपको ये नहीं दिखेगा ना <laughs> बात तो सही है पॉइंट है पॉइंट तो तो तो, मतलब मैंने वहां से देखा होगा दिमाग में रह गया होगा भगवान ने करवा आई थिंक बंदा कुछ नहीं करता ये भगवान आपको वो मोमेंट देता है जैसे शाहरुख सर को ये दी होगी है ना कभी ना कभी बाकी बहुत जानों ने भी करा होगा बट रजिस्टर उनकी हुई तो ऐसे जिसका जो रजिस्टर हो जाए जैसे आप लोगों का एक एक एक्ट है तीनों का टू टू कवर अ पॉडकास्ट वो आप ही का एक्ट है चाहे आप तीन जाने और बैठ जाएं आपकी तरह नहीं कर सकते तो आई थिंक ये भगवान ही देता है हाँ हमारी तरह तो नहीं कर सकता कोई क्यों तीनों इकट्ठे मैं वही कह रहा हूँ <laughs> <laughs> कह दिया भाई एक्टिंग तो, तो नहीं, है। भाई नहीं 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 है क्या सीन है ये मतलब सीन क्या है क्या? कि मतलब जैसे आप आपने आप, हमें भी इंक्लूड कर लिया तारीफ में तो ये जेनुइनली आता नहीं, है भाई, मैं... होता है मतलब मेरे को एक बात बताओ मैं आपसे एज अ भाई पूछ रहा हूँ आप हमारी तरह थे अब आप इंडस्ट्री में हो सही आप इंक्लूडिंग यू वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री यू आर वेरी सुपरफिशियल कि मतलब

अच्छा इंसान जब आप सोशली मिल रहे हो लोगों से तब नहीं आई एम एक्चुअली अच्छा इंसान है बुरा इंसान विद माय फ्रेंड्स अच्छा कैसे आप बुरे कैसे बहुत मीन हूं hmm. बहुत जोक्स बनाते इधर आपके सामने थोड़ी ना आप फोन भी उठाते हूं हां कभी नहीं उठाती सबसे बड़ा कंप्लेन है उनका बताओ मैं फोन नहीं उठाती लेकिन अगर आप फोन करके तो उठा दूंगी प्रोफेशनलिज्म कोई भी क्योंकि वो काम से रिलेटेड होगा अच्छा नहीं लेकिन ये हमने सुना है इंडस्ट्री के लोगों से ही सुना है मतलब आ, उन्होंने कैमरे पे तो नहीं बोला हमारे साथ ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे तो वो खुद ही कह रहे पहले तो एक्टिंग करो फिर एक्टिंग एक्टिंग करने की करो <laughs> मतलब समझ ये ये बहुत ये ना लेकिन नोटिस में भी आता है हाँ भाई बताओ ना प्लीज हम लोग भी आपके साथ ऑफ कैमरा बैठे थे इससे पहले हम लोग ऐसी बात करी हम वही दीदी को वैसे तब भी बुला रहा था मैं दीदी की बात अब भी कर रहा हूँ कि दीदी को भेज दो या जाने दो यार कोई बात नहीं मतलब मुझे यार ये लगता है कि आप जैसे भी हो ना आपको वैसे रहना चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ यू विल एंड अप चेंजिंग योर सेल्फ एवरी अदर द सेकेंड वेन एव यू सी सम न्यू तो अगर आप जो हो वैसे ही हो तो आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा आप बैठे हो भाई हैं भाई बैठे हो पीछे मेरे अपने बंदे हैं तो मैं ऐसा ही हूँ भाई मैं स्टेज पे हाँ मैं जब माइक पकड़ता हूँ वैन आई मीन माई प्रोफेशन ऑन स्टेज तो देर इज़ समथिंग दैट चेंजेस मी मुझे खुद नहीं पता वो क्या है Uh, मुझे खुद नहीं पता वो क्या एनर्जी या क्या होता है माइक पकड़ने के बाद बट जब मैं नाम ऑफ स्टेज मैं मतलब ऐसे ही हूँ मतलब ऑन सेट ऑल्सो मतलब ऐसे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार किसी चीज़ का मैं प्लस हूँ एवरीडे hmm. मैं एवरी डे प्लस हूँ कभी आपको ऐसा वो हुआ है कोई काम वाम छूटा है आपका कि यार मैं ऐसा ही था मैं शायद थोड़ी और बात कर लेता थोड़ा और घुल मिल जाता तो मेरा एक काम निकल जाता बैक इन योर स्ट्रगलिंग डेज नहीं मेरा कोई काम नहीं रुका कभी मेरा भगवान ने सारे काम बनाए हैं मैं अपने सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ी हुई हैं और आज भी और पहले दिन भी और अगर ऐसे काम होने लग जाते हैं ना भाई तो सारे सुपरस्टार होते अगर ऐसे काम हो रहे हो कि भाई मैं कोई फेक होके के कुछ कर लूँ या मैं आज अच्छा हो जाऊँ इसके साथ कल फिर देखूँगा वो कहते हैं ना आप अपने सही टाइम पे असली रूप दिखाते हो Mm -hmm. गलत टाइम पे तो जब आपका टाइम नहीं सही रहा फिर तो बंदा वही है mm -hmm. भाई मेरा काम कर दे ये कर दे तो आई एम लाइक दिस ब्रो फॉर एवर मतलब आई आई ट्रीट माई सेल्फ द बेस्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड वाह

क्योंकि आपके आपके डैड का तो देखो सबको पता है कितने बढ़िया एक्टर हैं हाँ पर डैड का ऑलवेज था कि उन्होंने हमेशा मुझे आ, फिल्मी दुनिया से बहुत दूर रखा तो मैं शायद एक दो पार्टीज में गई हूँ दबंग के पहले और मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी घर आती थी ट्यूशन जाती थी घर आती थी सो जाती कितने नंबर थे ट्वेल्थ में <laughs> <laughs> मार्क्स कितने परसेंटेज टॉपर ओके ओ फेट ही बहुत स्मार्ट थी नीचे से टॉप तो नहीं था नहीं अच्छा, अच्छा। मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था अच्छा। मुझे वॉल स्ट्रीट जाके पैसे कमाने थे और वापस आना थीक, था थीक। और फिर एक दिन इलेवन ग्रेड में मुझे बोला कि तुमको थिएटर लेना है तो ले लो कोई ले नहीं रहा है वैसे हाँ। तो मैंने ले लिया ही टाइम पास बहुत मजा आया तो इलेवन ग्रेड में मैंने मामा पापा को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है वो हंस देखें तो नहीं हुआ um, उसके एक महीने बाद फोन कॉल आया कि वे कंसिडरिंग यू फॉर दबंग तो लाइक फोन कॉल आया किसका हाँ किसका फोन कॉल आया ये तो बताओ हाँ किसका फोन आया मतलब सलमान सर भाई अच्छी बात है ना मैं मजा आया सुन के बाद नहीं मेरी मम्मी को फोन कॉल आया मुझे नहीं तब आप, आप के, तब आपकी एज 11, मैं सोलह साल की थी सोलह साल में आप दबंग कर रहे हो सत्रह की थी तब दबंग किया और इससे पहले कोई एक्टिंग वर्कशॉप नहीं किया था नहीं नहीं उसके बाद बहुत किया अच्छा उसके बाद उसके बाद नौ महीने दिन रात दिन रात एक्टिंग 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 आठ आठ घंटे वर्कशॉप क्या होता है वर्कशॉप में क्या सिखाते हैं पहले दिन बहुत रोला कि रो 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 के दिखाओ रोने की एक्टिंग ना रोने की एक्टिंग असली में रो के दिखाओ अच्छा आंसुओं से बिल्कुल दहाड़े मार कैसे करते हैं तुमने कर लिया था नहीं मुझे बहुत पीटा फिर मैं बोल पीट आपको कौन हाथ लगा देगा जब भाई का फोन जब आपको भाईजान का फोन आ गया फिर आपको कौन पीटेगा ये भाईजान तो ठीक है मतलब यहाँ क्या लगा हुआ था <laughs> जब आपको भाईजान का फोन <laughs> नहीं भाईजान आप बता सलमान सर के सामने मत ऐसे कर देना नहीं हाँ मतलब ठीक है तो फिर उन्होंने एडिटर इसको कट किया जाए वैसे हमने सुना है सलमान सर रील्स बहुत देखते हैं उन्हें सब पता रहता है कहाँ क्या बात चल रही है आ, नहीं ये तो मैं उनको खुद बताऊंगा की आप वो बंदे ढूंढते जो उनकी एक्टिंग करते पता है वो रहा। उन बंदों को कोई नहीं ढूंढ पाता नहीं वो अगर उनके सामने वो बंदा आ जाए तो फिर मतलब उसको बोलेंगे अब करके दिखा एक्टिंग अच्छा चलो ठीक फिर वर्कशॉप वही फिर आपको बोला आ, कि रो आपको मारा सच में रुलाने के लिए डेढ़ घंटा रो ही नहीं रही थी मैं से किसने मारा भाई नहीं, नहीं बताऊंगी मुझे बहुत प्यारे है वो। अच्छा ठीक अच्छा फिर नेक्स्ट मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या सीखा आपने बहुत

डायलॉग <laughs> रट लेती समझ में नहीं, नहीं आता ये, ये <laughs> गुरु भाई आप बताओ <laughs> की रीटेक्स किसकी वजह से ज्यादा होते मैं तो रीटेक कभी नहीं तो इनकी वजह से हो भी रहे हैं तो भाई हमारे चक्कर में मूवी बन रही है ना तो हमें ये तो बोलेंगे नहीं भाई जल्दी जल्दी निकल जाओ आप आपको <laughs> रीटेक ना लो भाई आप ही की मूवी खराब होगी रीटेक मुझे लगता है रीटेक होने ज़रूरी भी है <laughs> रीटेक से क्या होता है जैसे अंदर आ रहे हैं वैसे आएगा नहीं कोई <laughs> 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 हमें कुंडी लगा देनी चाहिए सो <laughs> <laughs> so, रीटेक आई थिंक रीटेक मेक्स एन एक्टर लर्न मोर अबाउट द सीन सो कई बार क्या होता है पहले आप वो कर लेते हो uh, रिहर्सल करते हो या हम बढ़ते रहते थे डायलॉग्स बोल रहे थे एक दूसरे को पर रीटेक में क्या होता है एक बार पूरे सीन से, सेट का माहौल पता चल जाता है तो जब आप उसके बाद करते हो तो आपको थोड़ा वो कॉन्फिडेंस माहौल एनवायरनमेंट पता चल जाता है मतलब ठीक है रीटेक भी हो जाए तो ऐसा करते मैं थे मैं कम रीटेक देता हूं वैसे मैं याद कर लेता था सब अच्छा इवन सबके डायलॉग याद कर लेता था हां इनके भी हां हां खुद-बखुद अच्छा। 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 ऐसा होता था कि आपने सीन दे दिया फिर आपको आप जाके देख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे दिखाओ यार कैसा हो रहा है मैं और बेहतर करूंगा खुद से आप करते थे कि यार देखता हूं। हाँ कई बार पता चल जाता है हाँ। यहां हो गया अच्छा अच्छा नहीं 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 कुछ क्या गलती हो जाता था जैसे डायरेक्टर बोल रहे बस भाई मैंने अपना बेस्ट दे दिया तू क्या तुझे क्या पता हाँ बार बोलते हैं सेफ्टी टेक सेफ्टी टेक अब वो सेफ्टी पता नहीं यूज कहाँ होती है

रिवाइज करते हो कभी खुद उस पर डाउट आता है कि यार ये मैंने अच्छा नहीं लिखा शायद मैं बेटर लिख सकता हूँ हाँ बट वो तब होता है जब जैसे आ, आप स्टूडियो में हो तो वो तीन चार जाने और बैठे हुए हैं या आप स्टूडियो में आपने कुछ हुकल क्रैक करी उसके बाद लिख रहे हो तो देन यू एंड अप कि हाँ यार ये ठीक नहीं लग रहा कल फिर लिखूँगा परसों फिर लिखूँगा बट मोस्टली क्या होता है जब आप फ्लो में होते हो ना जब आपको पता होता है कि आप कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छी बनती है मतलब उसमें डाउट ही नहीं होता कोई बट हाँ बट वो वोरेंस कैसे आता है कि भाई हाँ यही है जैसे आपके इतने सुपर डुपर हिट गाने फील आ फील तो 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 आ जाए तो भाई खुद किसी का रिव्यू पे नहीं चार पांच लोगों को सुनाया तीन ने अच्छा कहा तो मतलब ओके हाँ वैसे दे से यू शुड गो विद विध से अगर सत्तर जाने कह रहे हैं ठीक है सात जाने कह रहे हैं दस में ठीक है तीन खराब है तो बंदा ठीक है इवन फॉर एवरी जैसे आपके बारे में कुछ अगर सात जाने कह रहे हैं अच्छा है तीन जने कह रहे हैं नहीं अच्छा है तो आप अच्छे हो अगर तीन जने कह रहे हैं अच्छा है साथ ही तो मैं नहीं, अच्छा। <laughs> नहीं। <laughs> बट बट मैं एक आर्ट तो से से समझ रहा हूं क्योंकि मैं... बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं भाई ये ऊपर आता है आ, और मैं वाली बस वही मानता हूँ वही वाली बात है जो दिल ने कह दिया पता मैं कई बार सबको बोलता हूँ मुझे आज तक ये नहीं पता चला मुझे लग रहा है जैसे कल का ही दिन है और आज का दिन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है सब कुछ और जैसे भी हो रहा है मुझे ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही अच्छा है मुझे पता ही ना चले कि क्या हो रहा है कब तक होगा ये ये भी ना पता चले बट जब तक हो रहा है ये प्रोसेस बहुत प्यारा है यार पर आपको जोन चाहिए होता है कि वही लिखते हुए कुछ मुझे जैसे होता है कि कुछ लोगों को कि भाई शॉट लगा लें कुछ पी लें कुछ फूक लें नहीं, नहीं, नहीं जैसे आजकल करते हैं कुछ लोग तो मैं बहुत दूर हूँ ये फूकना ना मेरा है नहीं सिस्टम <laughs> देखो मेरे लिप्स कितने प्यारे हैं यार तीत कितने अच्छे <चेंगा>। है <laughs> तो बट वो होता है कि हाँ समटाइम्स uh, कई बार आप कुछ सुन रहे होते हो वर्ल्ड वाइड कहीं पे कहीं आप क्लब में हो कभी आप किसी हाउस पार्टी पे हो तो कई बार आपका मन करता है कि आपके पास भी ऐसी बीट के ऊपर कुछ लिखा हो तो लिख लेते हो या कई बार वैसे यार इसका है नहीं कोई रूल है ही नहीं वही कह रहा हूँ रूल जिसको पता लग गया वो तो फिर ज्ञानी हो गया हो जो ज्ञानी हो गया उसको दुनिया मानने लग गई जिसको दुनिया मानने लगी वो कहेगा मेरे को दुनिया मान रही है वो रुक जाएगा तो मतलब पता ही ना चले जब तक वही मजा कभी ऐसा हो गया कि यार ये वाला गाना ये मैंने मतलब खुद का ही गाना पसंद नहीं आ रहा मतलब रिलीज हो गया बढ़िया फिर लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे रिग्रेट हो रहा है इस सॉन्ग पे मुझे कोई ऐसा गाना कि यार यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार एक दो मैंने हिंदी गाने करे थे बीच में लॉकडाउन के दौरान मुझे लगता था मुझे वो एक, एक दो गाने नहीं करने चाहिए तो लेबल के थे या फिर लेबल के थे मैंने नहीं लिखे थे बट एट द एंड सी यू आपने उस दिन को यूटिलाइज़ करा भगवान ने आपको उस दिन भी काम पे भेजा उस दिन भी आपने uh, नए लिंक्स बनाए आपने नई दुनिया क्रिएट करी चाहे वो दस जन उन्होंने सुना हो ठीक है बट मी एज अ पर्सनल मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती बट जैसे आपका सवाल है उसका ये आंसर है कि हाँ, मुझे एक दो लग रहा है एक दो को लेकर तो वो करने पड़े इस रीजन से कि वो किसी पे आपने प्रॉमिस कर रखा था करूंगा पैसे था, अच्छे था, दे रहे थे नहीं पैसे कुछ है नहीं सिस्टम ना पैसे तो बहुत टाइम पहले मैं पैसे सोचा नहीं कभी पैसा नहीं सोचा इनिशियल तो सोचते हैं यार जब आप और इक्का भाई गाड़ी में घूमते थे तब भी पैसा नहीं सोचा भाई मतलब इक्का भाई को भी पता है या। 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 पैसा नहीं सोचा कभी भी भाई एक बार ये तो बार होता है ना पैसा कि म्यूजिक वीडियो अच्छी बन जाए भाई गाने के लिए भी पैसा सोचा, तो तो ना। ना। हाँ, नहीं सोचा वैसे बहुत पैसे मिलते हैं गाना गाने मतलब सारी चीजें अच्छी है बट मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि भाई ये पैसा होगा तो मैं वहां जाऊंगा मतलब इट्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब नाउ जैसे आप अपलोड करते हो यूट्यूब अपलोड करते हो आप करते हो ना hmm. पैसा इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस अब तो थोड़ा हम भी सोचने लग गए हैं पैसों के बारे में तो पैसा तो हाँ तो, तो रुक सकता है पैसा जब तो सोचने लग गए गया <laughs> सोचा करो पैसा जितना पैसा ज्यादा सोचोगे उतना पैसा बढ़िया रूप में अच्छे से आएगा <laughs> अगर आप हक का खा रहे हो तो जितना मर्जी सोचो अच्छा गुरु भाई आपका उस पे का टेक है कि जैसे अभी गाड़ियों की बात हो रही थी म्यूजिक वीडियो की बात हो रही थी कि ग्रैंड दिखाना जैसे आप कहते कि मैं तो बहुत दिखाया गानों से इंस्पायर होना और चीजें दिखाना तो वो कितना ज्यादा जरूरी है तगड़ा खर्चा करवाया मैं तो टी सीरीज का हमेशा सबसे ज्यादा खर्चा किस में हुआ है आपका सबसे ज्यादा खर्चा आई थिंक स्लोली स्लोली गाने में हुआ था बिटबुल सर के साथ जो करा था बस वो एक दिन में हमने शूट करा था एंड एवरीबॉडी फ्लू फ्रॉम हियर इंडिया से गए थे हम और वो थोड़ा काफी एक्सपेंसिव वीडियो था। गाना था।, कड़ा था अगर वैल्यू बता सकते हो आप एक उसकी वीडियो का कॉस्ट? हाँ। हो गई अच्छा इंक्लूडिंग टिकट मतलब वो क्योंकि वो वहाँ पे सब एक दिन म्यामी में शूट करा था तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे बट आई थिंक बहुत जरूरी है मैटर uh, करता है भाई मैं मैं ये मानता हूँ मैटर करता है आज की डेट में नहीं कर रहा अभी क्या होता है अभी आ, अभी आप चाहे अपने यूट्यूब को इज गॉन इंडिपेंडेंट राइट नाउ हम अगर आठ साल पहले की बात करें जब हम मैं हनी भाई हनी भाई से हनी भाई तो पहले से वीडियोस बहुत तगड़ी कर रहे हैं जैसे बादशाह भाई आए जब या मेरा शुरू हुआ काम तो तब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियो का ना सीन इतना ज़्यादा था नहीं तो हमें बजट के लिए मारामारी होती थी बट जब आप आप हिट हो जाते हो फिर आप अपनी इच्छा भी पूरी करते हो ना भाई सही बात है क्योंकि देन देन यू यू वांट टू शोकेस द वर्ल्ड हैव दिस मच पावर कि आप जो बाहर देख रहे हो हम आपको इंडिया में रह के भी फीड दे सकते हैं वो वाली अब तो भाई उल्टा गेम हो गया अब लोग ऑडियो रिलीज करते हैं ऑडियो वायरल होती है पहले फिर वीडियो रिलीज करते हैं जैसे अभी शोभ कर रहा है औजला पाजी कर रहे हैं कि चार गाने डाले ऑडियो जो फटी उसकी वीडियो आई फिर चारों की वीडियो आई फिर चारों का अनप्लग्ड आया

पैसा ही पैसा <laughs> <laughs> सही मैं आपसे जानना चाहता हूं। आ, आपने मूवी करी है मतलब पार्टी हो रहा है, कोई इतना प्रेशर नहीं है आ, तो और अब ये मूवी करी आपने गुरु भाई के साथ तो कितना डिफरेंस रहता है कैसा रहता है, मतलब बहुं है। बहुं प्रेशर था क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी मेरे को पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ कैसे दिख रही हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैंने सब छोड़ दिया था मम्मा आप देखो मैं कैसे दिख रही हूँ आप बोलो कैसे दिख रही हूँ शीड बिकम फुल मोम जोर मेरी मम्मा अच्छा एंड आई थिंक मैं भी थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ आई सेट पे मैं भी मॉम कम्स एवरी सेट शी मेक श्योर कि सब ठीक है ना वो डाइव एंड शी गो एंड शी लीव मी ऑन माई ओन तो यहाँ पे आई वॉज लुकिंग इन टू माई ओन थिंग्स नर्वस कम थी तो आई थिंक वो ग्रोथ बट जैसे हम गुरुपाजी से पूछ रहे थे कि प्लेबैक देखना या खुद से एक रिक्वेस्ट डालना तो आप वो मैं नहीं करती तो क्या नर्वस होते थे आप बोलने नहीं में? मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि वही मैं पूछ रहा था मैं पापा के सेट पे जाती थी बचपन में

गुरु भाई सारी पता है यूट्यूब पे क्या है क्या है। <laughs> नहीं वो भी है मुझे लगता है हम ना जब आपको पता हो ना आपको कौन कौन देख रहा है वैसे ही मतलब हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या बोलना चाहिए हाँ आप, आपस में बैठे अभी हमारा वही माहौल है बट स्टिल वी शुड नो आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉट टू प्रमोट वट नॉट टू मतलब मुझे ये लगता At है जब रोक तो किस... हाँ हमारे रोक किसी को नहीं सकते आप जो मर्जी डालो ऑनलाइन आजकल तो फ्री वर्ल्ड है बट मेरे सही का आंसर है मेरे पास

मतलब इट्स इट्स योर सेट पीपल हैव गादर्ड फॉर यू फॉर द मूवी एंड आपको मतलब शी हैज़ नो टन ब्रो शी इज़ वेरी कैजुअल शी इज़ वेरी ओके शी डोंट केयर मतलब शी उसको ये पता है कि उसको एक्टिंग करने आई है तो एक्टिंग करनी है जब भी कॉल आई चले पहुँच गए सेट पर और मैं भी थोड़ा ऐसा ही हूँ मतलब मैं उतावला रहता हूँ मुझे तैयार होकर मुझे बैठने की आदत नहीं है मुझे होता ठीक है इनके सेट शूट चल रहा होता था मैं वहीं खड़ा होता था पीछे उसके क्या कहते हैं मॉनिटर के बैठा रहता था सीखने को मिलता है बंदे के बहुत कुछ एंड शी इज वेरी पंचुअल मतलब काफ़ी मैं पंचुअल हूँ बहुत ज्यादा भाई मैं अगर मेरे बस में हो मैं मैं कट टू कट पहुँचता हूँ हर जगह ट्रैफिक का हाथ नहीं है जोर नहीं चलता किसी का बट मेरा होता है मैं ना किसी का टाइम वेस्ट करूँ ना अपना करवाऊँन गाइबर इन दर्ल्ड व्हाट्सएप हैज नो नोटिफिकेशन आई सेंड मैसेज में आपके सब आप व्हाट्सअप दुनिया के उठाओगे ऊपर आता ना पंद्रह बीस पच्चीस मेरे में एक भी नहीं होता तो आप तो आप फिर <laughs> आपने तो बोल ही थी आप दोस्तों के फोन उठाते <laughs> <laughs> तो भाई आप तो फिर नंबर सोच समझ देते हो कोई परेशान मतलब उनको नहीं परेशान भी कर ले कोई बात नहीं अगर नंबर ही जिसको दे दिया जिसको आपने बोल ही लिया भाई है या जो भी है इफ यू लाइक समबडी पर कभी तो लगता होगा भाई क्या रिप्लाई करूं इसका तो बकवास करूँ कर देता हूं जैसे समझो उसने बोला ये कब का कलर येलो है मैं कहता हूं हां येलो है

तो शूट दूर हो रहा था घर से या फिर नेक्स्ट डे नहीं जा सकते आग्रा थे आग्रा ऐसा था आग्रा अच्छा आगरा अच्छा। में शूट ऑल राइट ओ पर गुरु मैं और पूरा जो हमारा टीम है रोज लूडो खेलते थे और गुरुजी रोज हार जाते थे अच्छा भाई लूडो में हार रहे हो <laughs> <laughs> तो भाई क्या हो गया लूडो में हारने वाले बंदे बंदे नहीं है इनकी हैबिट पता है अगर चार लोग बैठ के खेल रहे हैं तो सबका डाइस खुद करेंगे और अच्छा। प्लीज़ देखो मैं ना टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ अपने टाइम की तो <laughs> तुम जल्दी नहीं, करो यार ये जल्दी ही। नहीं। वाला जब पता है कि वो होना ही है उसके बाद तो ये सोचते रहते हैं फिर दबाओ फिर वो करो मैं सबका वो जिम्मेदारी उठा के फिर चलता है बट हार जीत तो बनी रहती है कभी आप हार गए कभी फिर आप हार गए और कौन से कौन से गेम खेलते थे तो लूडो हो गया सेट पे और क्या खेलते भाई रहे? मैं आ, सेट पे तो यही खेलते थे पूरा दिन लूडो खेलते थे ही खेलते थे आपने वैसे बताया आप क्रिकेट भी खेलते हो हाँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ क्या बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हो या बॉलिंग बॉलिंग फास्ट बॉलिंग

भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं जैसे हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपके यूके कनेक्शन की लंदन कब जाना यूके कब जाना हुआ आपका अर्जुन भाई से कैसे मिलना हुआ क्योंकि आपका गाना आया था सेम गर्ल जिसमें वो इंग्लिश में वो, वर्स कर रहे हैं आप पंजाबी में वर्स कर रहे हो वो बहुत तगड़ा कॉन्शियस हुआ था, था हाँ, बहुत फ्रेश चीज थी वो यार मेरे को ना मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे को जो इंडस्ट्री में लेके आने वाला वो अर्जुन है मेरे को मौका देने वाला अर्जुन है उससे पहले मैं बोहिमापा जी के साथ ट्रैवल करा मैंने तीन साल आ, उनके शोज़ ओपन करता था उनकी संगत करता था उनसे सीखता था बड़ा कुछ आ, अच्छी अच्छी बातें सीखता था उनसे आ, क्योंकि आ, उनका जो आ, रैप है या वो मेरा स्टाइल नहीं है मैं 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 सिंगिंग करता हूँ है ना बट उनका लाइफ उन उनका स्ट्रगल हासिल उससे बहुत चीज़ें सीखता था फिर मैं जब वो अमेरिका चले जाते थे फिर उसके बाद मेरे पास होता नहीं था कुछ करने को ज़्यादा तो हल्के फुलके शोज़ करने फिर मैं ना पता नहीं भगवान की मेहर से मेरे वीज़ा नहीं रुका कभी भी शुरू से ही तो डैडी के पेपर्स पे ना डैडी मेरे गवर्नमेंट जॉब वेटनरी डॉक्टर रिटायर्ड हैं तो उनके पेपर पे मुझे वीज़ा मिल गया यू के का अच्छा हाँ मतलब ट्रैवल पता नहीं कैसे ट्रैवल वीज़ा मिल गया भगवान के चक्कर में ही तो मैं वहाँ गया जब तो वहाँ पे हस करके एक लड़का वीडियो डायरेक्टर जो अर्जुन की वीडियो शूट करता था तो मैं उसको मिला मैं उसका वीडियो शूट प्लान करा एंड देन उसने मुझे आ, अर्जुन से मिलवाया किसी पार्टी में दैन अर्जुन को मैंने हमारी बातचीत हुई और वो मैंने उसको बताया ऐसे मैं बहिमे भाजी के साथ होता हूँ तो मैं गाता हूँ यार और मेरा कोई गाना आया नहीं है वैसे अभी तो ही ही कॉल मी टू इज हाउस कि भाई घर पे आना लेट्स रिकॉर्ड समथिंग तो मैं तो बिक्का भाई के साथ यहाँ जैसे पता है लिख लिख के पागल और कहते थे गाने भाई।, भाई पता तो चले कोई गवाए तो सही तो भाई उसने जब गाना ना बना हुआ था उसके पास तो उसने सेम गल का ना प्ले करा गिटार प्ले करा अपना पार्ट प्ले करा भाई मैंने तभी के तभी वो गाना लिखा वहाँ पर तभी रिकॉर्ड करा और उसी के रूम की रिकॉर्डिंग है वो मैं वापस इंडिया आया हफ़्ते बाद मुझे पहली स्पॉन्सर टिकट जो भेजी गई है वो अर्जुन ने भेजी है लाइफ की वाह बाहर की और अर्जुन ने मुझे, मुझे मौका दिया वीडियो में मैंने कपड़े भी अर्जुन के पहने हुए वीडियो में अच्छा तब इतना स्टाइल होता नहीं था तब सिर्फ ये होता था मुझे मेरे बाल ना बहुत करली हैं अभी भी तो मुझे होता था बस बाल स्ट्रेट करने किसी तरीके तो मैंने उस, <laughs> उसकी हेयर स्टाइल से बाल स्ट्रेट कराए थे बस अच्छा और मेकअप भी उन्होंने तब करा था पता नहीं होता था क्या सिस्टम है बट यार अर्जुन की वजह से ही मैं आज यहाँ पे मतलब अर्जुन हैज़ हेल्प मैं लॉ बट आपने फिर सूट सूट में उन्हें बहुत अच्छा पे करा हाँ यार उसको पे बैक नहीं कर सकता मैं। नहीं मतलब मैं। जो आप करना चाहते थे हाँ, कर मतलब सकते वो थे वो आप बैठे हुए थे फिर अर्जुन साइन था टी के साथ वो रीमिक्सिस के लिए मैं भी उनके साथ टी का आर्टिस्ट हूँ तो हम बैठे हुए वरुण भाई बैठे हुए थे तो ऐसे बात चल रही कि गाने यार मैं सुना रहा था तो अर्जुन भी वहाँ पे था आया हुआ था तो अर्जुन लाइक सूट सूट तो मैंने कहा ब्रो इट्स मतलब लेट्स डू इट तो वो हमने करा वो भी भगवान ने बड़ा काफ़ी अच्छा गाना चलाया बट अर्जुन, अर्जुन अभी भी आज भी मतलब भाई और भाई जब आप पाजी के शो पे जाते हो उनकी तो ऑडियंस हमारे ऑडियंस तो उन्हीं की तरह बन के आई हुई है एकदम चटक बिल्कुल हिप हॉप कट्टर हाँ तो आप क्या ओपन करते आप कौन सा गाना गाते थे ओपन क्या गाता था तब मैं वो गाता हूँ

कि अगर वहाँ पे तेरी दीवाने भी गाता था मैं हिंदी गाने एक दो गाता था उनके शो से पहले तो अब ये थोड़ी बोलेंगे भाई हमने नहीं सुना यह गाना मत गा बंदा इन्जॉय करता है वो माहौल ऐसा होता है एनवायरमेंट ऐसा होता है आप देखो ना कितने सुपर के शोज़ पर जब कोई भी ओपन कर रहा होता है पब्लिक उसको बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये कोई है जो इसका शो ओपन कर रहा है बट भाजी कुछ पब्लिक ऐसे भी होती है आजकल ज़्यादा हो चुकी है जो थोड़ी सी वो रहती है अपनी अलग बदमाशी में और भाई मेरे को ऐसे मिले नहीं कभी बंदे मेरा सही बंद मेरा सही है मेरा कोई किसी आप लोकेशन देख या पार्टी देख दे दे के तो शो उठाते हो क्या नहीं नहीं अभी तो जिसके पास पैसे हैं वो बुलाएगा भाई पार्टी हाँ। पुटी क्या <laughs> पैसा दो और गाना सुनो मतलब इतना पैसा को, कोई कोई दे सकता ऑब्वियसली अगर वो मतलब वो अलग सीन था तब बट वही है मतलब यार आप आपको पता होना चाहिए आपने क्या गाना है आपने किस तरीके का गाना है और आपको वैसे ही जब आप फेमस होते हो जब आपके गाने चले हुए होते हैं तो आप उसमें कुछ मिक्स भी कर दो तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई ऐसी बात है नहीं हाँ अगर जब ज्यादा ही खराब लोग हों तो मतलब उनको सॉरी बोल लो यार मतलब ठीक है तू बड़ा है भाई कोई बात नहीं टेंशन किस बात की है पर किसी प्राइवेट इवेंट में गए हो आप वेडिंग वगैरह में वहाँ पे जैसे सबकी दारू चलती है सब माहौल में होते हैं कुछ ना कुछ कभी हुआ है उल्ट उल्ट हो गया हो रिक्वेस्ट ज्यादा कर दी हो अरे सिक्योरिटी होती है साथ अच्छा

भाई मेरे साथ है मेरे को प्यार ही करते हैं लोग यार मतलब मेरे को कभी हेट ऐसी है नहीं कि लोग आके मेरे को तंग कर रहे हैं कुछ है मतलब को को नहीं। 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 नहीं, कहना की भाई मैंने किसी के साथ कोई गलत ही नहीं करा प्यारा बंदा साफ दिल का लड़का है वो भी ना हो आप जब तक चाहे आप गलत भी हो ना वैसे ही लाइफ में आपका अलग एटीट्यूड हो जब तक किसी को तंग नहीं करोगे अगला बंदा तंग नहीं करेगा आप खुद ही गलतियाँ उठाओगे किसी की और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे मुझे ये लगता है तो मैं बच के रहता हूँ यार मतलब अच्छा गुरु भाई कोई आ, सही आप भी बताना कोई फैन मोमेंट हुआ हो कोई मतलब अजीब सा क्रेजी सा जिसे कहते हैं कि भाई ये तो कुछ आज अलग ही हो गया ये क्या कर दिया डरावना नहीं मतलब कुछ अच्छा लगा आपको बहुत तो देखो, स्वीट तो रोजी क्रेजी, बता क्रेजी बताओ कुछ उधमी बताओ वैसे तो मतलब क्या क्रेजी कैसे मतलब पहले सही बता दे फिर मैं उसकी, उसके दें नहीं, नहीं, आप 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 तो तो बहुत सारे मेरे घर पे ना डायरीज पड़ी हुई हैं लोगों ने पता नहीं क्या कुछ लिखा हो मेरी वो वाली भी पिक्चर जो मेरे पास भी नहीं है बहुत पुरानी पुरानी इंस्टाग्राम से उठा के उसको बड़ा मजा आता देख के वो मैंने सब रखा हुआ अपने पास फिर रिसेंटली uh, हम किसी शो पे थे कहीं पे तो वहाँ लड़की स्टेज पे जैसे मैं हम रोकते नहीं किसी को आने तो कोई बात नहीं मतलब मैं कहता हूँ तो इसी के लिए तो हमने मेहनत करी है कि लोग हमें पहचाने लोग आगे बात करें या लोग अप्रिशिएट करें तो मतलब कोई बात नहीं आने दो तो वो स्टेज पर है तो शी वॉन्टेड टू किस ब्रो अच्छा। और मैं पसीने से लत था मैंने कहा भाई मतलब ठीक है मतलब बंदा साफ स्किन हो तो बंदा कर लेके <laughs> तो बट देन मैंने उसको मतलब थोड़ा हट गया था बट ये प्यार है उनका ये आई थिंक आर्टिस्ट के लिए भी नहीं प्यार है आर्ट के लिए प्यार है बिकॉज आर्ट के थ्रू कनेक्ट हुए हैं हम और आर्टिस्ट तो चेंज होते रहते हैं ना आर्टिस्ट दस साल पहले पंद्रह साल पहले कुछ और था बट उनका जो आर्ट है दैट इज देयर फॉर एवर वो आर्ट के साथ लोग जुड़े होते हैं तो उनको जिसने क्रिएट करा होता है ऑटोमेटिकली यू फील फॉर देम सही बात है पर आपने डीएम के रिप्लाई वगैरह करें जैसे आ जाते हैं लड़कियों के ज्यादा शुरू-शुरू में करता था 2015 16 <laughs> में बट उसके बाद मैंने कभी करानी है ज्यादा मतलब डीएमस में रिप्लाई ज्यादा करा नहीं हाँ नो नो तो जरूर कभी ऐसा करा है क्या मुझे बहुत बहुत पसंद कोई लड़की हो तो मैं उसको खुद हाँ। मैसेज कभी-कभी कर देता हूँ मेरे क्वेश्चन लड़कियों के भी जाते हैं सही को मैसेज कर दिया था ऑनलाइन ना ऐसा था वेरीफाई करेंगे फर्स्ट मैसेज All the best. Let's have a great show. <laughs> <laughs> अरे आप तो बताओ ये फैन मोमेंट यार बढ़िया सा कुछ ऐसे शांत शांत अजीब लग रहा है. क्या हुआ था? तो मुझे ना किसी ने पेंटी और एक स्कार्फ गिफ्ट की थी. तो मैं घर के घर पे लेके गई. कोई लेडी उनसे टकराई और उनका बाल ऐसे तोड़ने की कोशिश करी वो नहीं लेकिन वो गुस्से में पीछे देख रही है मुड़ के की मैं ये कर नहीं पाई शेट कोशिश करी उसका बाल नहीं टूटा पहले शैंपू पता करो कौन सा पता उसमें ये लग रहा है कि यहां तो कुछ रखा है कुछ कोई या तो बार ना ऐसे सर्कल करा है दो-तीन बार रीप्ले करा है तो कुछ लग रहा है फिशी की वो कुछ करना चाह रही थी उसका कुछ इंटेंशन पर ये चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं हां दैट्स अ लिटिल बहुत थोड़ा सा स्कैरी है और भी बहुत क्रेजी फैन मूवमेंट किया यार भाई ये तो मतलब दीवाना ही हो गया वो मतलब सब मेरा तो नाम गलत तो बोलते सब मेरे को साई बोलते, साई, सही और है क्या सही सही है सही बात सही सही है सही बात सही तो सही है ये आपके हाथ में क्या है वैसे ये गरम रखने के लिए मेरे हाथ अभी आपको ठंड लग रही है यहाँ तो बहुत मैं सुबह निकली बॉम्बे से बहुत ठंड लग रही थी 19 डिग्रीज़ अच्छा लोएस्ट इन बॉम्बे दिल्ली का वेदर चेक किया अभी पांच दिन पहले आते तो असली ठंड पता लग दिल्ली का हाईएस्ट 19 था हाँ वो भी आज आज ही हुआ होगा ऐसा लेकिन ठीक है हाँ गुरु भाई थोड़ी सी बात करेंगे थोड़ा सा म्यूजिक की बात करेंगे यार मोड़ दो गाना भी एक बहुत तगड़ा गाना आया था आपका जो हाँ यार दोस्ती पे था उसने एक अलग इमोशंस टे हाँ। मेरे ख्याल से मिलिंद भाई का और आपका वो कोलेब्रेशन था जो मतलब मेरे को जहाँ तक याद है मैं बहुत रिग्रेसली फॉलो कर रहा था सौ मिलियन सबसे पहला वो पहुंचा था मिलिंद भाई का ऐसा कुछ हुआ हाँ। था बहुत जल्दी हाँ हंड्रेड हाँ। मिलियन और बहुत ज्यादा वो उसकी उसकी कुछ बताओ क्या थी स्टोरी यार वो ना गाना मैं गाँव गया हुआ था हुँ. तो जब गाना स्क्रैच था मेरा तो गाँव में मैंने लिखा होता था असल में कि ले लो पैसा ले लो प्यार मैनू मेरे पिंड दी सवेर मोड़ दो अच्छा हुँ. असल में वो गाना ये था ठीक है तो फिर जब मैं आ, मिलिन से मिला हम स्टूडियो में जैम करते थे और हमने उससे पहले एक शो भी करा था इकट्ठे मैंने और मिलिन ने ना यहाँ पे क्लब में तब छोटे छोटे शोज मिलते थे हमें तो फिर वहाँ पे वो यार मोड़ दो वाली लाइन आई और फिर भाई ने उसका म्यूजिक तैयार करा फिर हाफ गाना भाई ने लिखा हुआ है वो और बट वो वही बात है कभी कभी चीज़ें बनती है अब मैं एक दिन सोच रहा था यार वैसा गाना बनाना है मैं वैसे सोच रहा था होता नहीं कि यार हाँ। यार मोड़ दो टू बनाओ हाँ आइकॉनिक दे दिया मुझे इसी की तरह कुछ हाँ। करना है तो बट बना नहीं मतलब वो आई थिंक भगवान ही दे जब दे और और उसका ना वो एक अलग पता नहीं क्या था यार उसमें मतलब हर चीज़ जो भी है इवन हमारी आज इंटरव्यू है हमने कुछ हम प्लान करके आते तो चाहे ये बातें ना ही होती तो वही है जो फ्लो में चला गया आई थिंक वही उसी में स्वर है थोड़ा सा गा दोगे भाई वो वो वाली लाइन याद है आपको एक भाई याद है ना मेरे तो मैंने लिखा <laughs> नहीं मतलब वो वाला पार्ट स्पेसिफिकली कि तो मेरा गाना मेरे से क्या है शर्म कर शिव भाई कई लोग अपने अपने आप अपनी लिरिक्स ही भूल जाते वो कैसे था <laughs> फिर मैं याद दिलाता हूं उनको तो. <laughs> एक बारी ओ रब्बा मेरे यारानू नु तू मोड़ दे वेख ले तू चाहे आप आके मेनू ओना दी किन्नी लोड़े फोन दे वॉलपेपर ते ने जो चार ओही चार यार मोड़ दो ओ ले लो पैसा दे ले लो प्यार मेनू मेरे यार मोड़ दो वाह 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 भाई जी आपने दिए हैं आइकॉनिक गाने लेकिन लेकिन जब वो पिक्चरों में आ जाते हैं ना जब तक आपकी वीडियो तक रहते हैं तब तक बहुत बढ़िया रहते हैं पिक्चर हाँ आ रहा है भाई उसका उसका बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए बट मैं मैं बता रहा हूँ मैंने ना जैसे पहला गाना हमने करा था रीमेक बंजारानी सेम लिरिक्स से, वो बहुत प्यार, वो वो आपसे थम्स थम्स अप लूंगा डाउन लूंगा जो आपको अच्छे लगे ठीक ठीक है है फिर हमने करा करदा सेम म्यूजिक सेम उसको टेम्पो बढ़ा के सेम सॉन्ग बट कर दा ओरिजिनल ओरिजिनलिजन ओरिजिनल फैन ये सब ऑडियंस भी ना कमेंट करना ठीक है हम ये सेक्शन के कमेंट्स पढ़ेंगे भाई आप भी पढ़ना फिर हमने करा हाई रेटेड गबरू ओरिजिनल ओरिजिनल ठीक है डन हो गया फिर हमने करा अपना तो तो के भाई एक ना फीमेल जो वर्स आता है ना वो बहुत में, किसी में वर्स नहीं है, फीमेल डाला हाई रेटेड गबरू में आई थिंक आया कहा थिंक नहीं बताओ लाहौर में आया लाहौर अभी तो मैं लाहौर ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है हाई रेटेड गबरू में ओरिजिनल अगर दो रूपए किलो आलू है तो दो ही ओके ओके बोला फेर ओके फिर हमने करा रीमेक आउटफिट करा था फॉर द मूवी उजड़ा चमन वो भी सेम रखा था बट हम बीट चेंज करी थी उसकी फिर पटोला करा था पटोला का तो भाई कोई मैच ही नहीं होता तो का की। का इरफान सर ओरिजिनल का बात बताता हूँ मैंने कभी बताई नहीं है तो इरफान सर ना जब हम शूट पे थे बुलगेरिया नहीं बुल्गारिया कहाँ था टिब्ली जॉर्जिया में तो वहाँ पे सर मुझे कहते हैं सूट सूट आया हुआ गाना है तो रीमेक क्यों कर रहे हो उनका भी एक सवाल था तो मैंने बोला सर ताकि आपके चेहरे के थ्रू और लोग उसको देख सकें hmm. आपके साथ मेरे को काम करने का मौका hmm. मिल रहा है इससे मेरे लिए बड़ी बात कोई है नहीं और एक वो भी रीज़न होता है जब आपका फेवरेट आर्टिस्ट कोई आपके लिए गाना आपसे गाना मांग रहा होता है या उनको मूवी के लिए चाहिए होता है ना hmm. तो आप देखो ना जैसे आपको आज बोले कि आपका क्या एपिसोड है सेम तरीके से करना है आपका फेवरेट बंदा साथ बिठा दिया जाएगा तो आप बोलोगे यार कर लो हाँ अब ये तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं यार कोई बात नहीं बट आप बोलोगे हाँ, नई चीज़ें डाल देंगे बट पुराना भी वैसा रख लेंगे थोड़ा सा बट लाहौर में हाँ लाहौर हमने करा था लाहौर हमने बिल्कुल चेंज कर दिया था क्योंकि लाहौर सचिन जिगर भाई उन्होंने साथ मिल करा था बट इफ़ आई टेल यू द एंड ऑफ़ द सॉन्ग्स जो रिक्रिएट होते हैं उनके स्ट्रीम्स ज़्यादा होते हैं मुझे अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है क्योंकि बॉलीवुड की रीच ज्यादा है ऐसा पता नहीं मुझे सिस्टम नहीं समझ आता है भाई मुझे लगता है और तो... जब भी मैं किसी से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि भाई अरिज़ ज्यादा बड़ी लाहौर है लाहौर भी ना ओरिजिनली बढ़िया है पर मेरे हाँ, सारे प्लेलिस्ट में इनके मूवी के गाने हैं सी देयर कम्स अ डिफरेंस

वो हाँ इमोशनल तो 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 यार ये नहीं यार हल्का आर्ट से मेरा खिलवाड़ हो रहा है ना ना ये भी है भाई ये कौन सा मतलब नहीं आर्ट है तब गाना बना दिया है ये भी है बट इट्स अगेन आ, ये वही वाली बात है कि आ, कैसे बताऊँ यार इसका आंसर कैसे दू आपको मैं मैं देता हूँ आंसर इसका ये वो वाली बात है कि आपने आपने घर बनाया एक जमीन है आपकी ठीक है आपके दादा का घर है वो ठीक है बट अब आपने वो घर बेच दिया था हाँ ठीक है बट आपके पास अभी पैसे आए आपने बोला नहीं यार मुझे बोला घर लेना है ठीक है बट अब वो घर किसी ने और तरीके से बना दिया है बट आपने क्या करा फिर उसको तोड़ के फिर घर बनाया कि जमीन तो वही है ना यार Sentiments जोड़े। आपका तो maintained, रहा मतलब हाँ मैं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने गानों के साथ जो तो जस्टिफाई करता ही हूँ मैं किसी का गाना लेके रीमेक नहीं करता मैं अपने ही करता हूँ एक मैंने करा है वो मोरनी बन के मैंने गाया था तो मैंने आज तक शेयर भी नहीं करा भाई तभी मुझे लगता था कि किसी का गाना मैं खराब ही ना कर दूंगी बट वो लकीली बहुत चला यार <laughs> अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं भाई लकीली हमारे भाई के लिए बोल रहा हूँ शो पे गाने के लिए एक और गाना मिल गया हाँ और हाँ। वो

बाहर जी क्लास भी देख ली पता चल गया ले <laughs> so, मेकिंग एवौ, आपका आर्ट किसी को समझ आ रहा है पसंद आ रहा है और उस आर्ट को आप करके और लोगों तक पहुंचा रहे हो अपने आर्ट को तो आई थिंक इट्स किसी का मत खराब करो मेरे पास सारे रीमेक्स आते हैं भाई बनाने मैं बनाता नहीं हूँ कभी मुझे बताया किसी का गाना मैं ख़राब नहीं कर सकता अच्छा गुरु भाई जैसे अभी आपने इरफान खान सर की बात हो रही थी अनुपम खेर सर के साथ भी आपने काम किया थोड़ा बताओ कैसा लगता है सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना एक्सपीरियंस कैसा था और इरफान सर का इरफान खान सर का भी बताना मैं ना बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि यार मैंने ना इरफान सर के दो ही गाने हैं जिसमें वो इरफान खान नहीं है हाँ वो स्टाइलाइज होके आ रहे हैं वो दोनों भगवान ने मेरे को दिए यार वो गाने और मैं दोनों वीडियोज़ में हूँ यार उनके ने ने साथ स्क्रीन शेयर करी है और उनके साथ टाइम स्पेंड करा है मुझे याद है हम तिब्लीसी में थे और मैंने उनका स्टार्डियम जो देखा वहाँ पे वहाँ पे जो तिब्लीसी ना जॉर्जिया का एक शहर है और वहाँ पे अलग ही लैंग्वेज पता नहीं क्या लैंग्वेज वहाँ की तो क्या बोल रहे थे वहाँ भाई वहाँ के लोग आके सेट पे गाड़ियाँ रोक के सर के साथ फ़ोटो करवा रहे हैं यार वाह मतलब वो वो इंटरनेशनल सुपर थे यार और मैं हमें खुश हो ही जा रहा हूँ वहाँ खड़ा खड़ा मतलब मैं क्या यार बोलो क्या बात है <laughs> मतलब ना मतलब इंस्पायर होता है यार कि हम भी कभी कुछ करेंगे यार ऐसा मतलब ये भी हम हमारा ही बंदा है यार जो कर रहा है और ऐसे इंस्पिरेशन लेके लेके हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं लाइफ में और इरफान सर की एक बात बताता हूँ तो अर्जुन भी साथ था उस तब ना उस गाने में क्योंकि अर्जुन का भी गाना तो वो भी फ्लाई करा लंडन से तो जाते हुए ना इरफान सर को हमने ऐसे ही बोला कि सर हाउ टू कॉन्टैक्ट यू है ना लेटर ये बंदा होता नहीं कि यार कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार है यार कि मतलब यार अब वी लुक अप टू हिम और उन्होंने हमें अपनी ईमेल दी ब्रो कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज़ ईमेल करना मुझे तो अर्जुन की ना कज़न लंदन में थी एंड सर का शूट चल रहा था शी मस्ट हैव सीन उनको रोड्स पे शूट करते हुए तो उसने अर्जुन को बोला टेक्स्ट करा कि इरफान खान इज़ इन लंडन मैं उनको मिलना चाहती हूँ तुमने तो उसका गाना करा है कोई होता उनको करा सर को कि सर ऐसे मेरी कज़न है जो लंदन में है सर ने बोला उनका किसी के साथ डिनर है इस रेस्टोरेंट में इतने बजे ये टेबल का नाम है उसको भेज दो अरे वाह भाई वो लड़की गई वहाँ पे सर के साथ डिनर करा उसने उन्होंने डिनर कराया फोटो करवाई और भेजा उसको बताओ मतलब ये एक और हम यहाँ बैठे भाई कुछ कर करा है नहीं जिंदगी में हम एक एक गाना चला के हम कहते हैं हमने पता नहीं कौन से तीर मार लिए तीर नहीं मुझे लगता है ये जितना बंदा इनसे सीखे लेजेंड से उतना ही कम है यार रोज़ की सीख है इनसे तो यार और अनुपम खेर सर के साथ कैसा था यार उनसे मुझे शुरू में तो डर लगा ठीक है क्योंकि मतलब इतने ज़्यादा मेरी पहली मूवी उनकी पाँच यार आप खुद देखो ना मतलब और बट धीरे धीरे ना मतलब वो बहुत फ्रेंडली हैं वो भी मतलब ही ही मेक्स यू फील कि ठीक है यू नो हिम ही नोज यू और अब उनसे बात क्या ही करूँ बताओ ना, ना। <laughs> मतलब क्या बात करूं? ना, तो <laughs> बोले, क्या आगे बोले। <laughs> सही क्या? कह रहे हो आप। <laughs> अपनी बात रखे, तो रखे <laughs> <laughs> फिल्में करी मुझे गाना ही नहीं सुना मैं उनको क्या बोलूं अगर उन्होंने सुना भी तो उनको क्या लेना देना भाई मतलब ठीक है आ गया गुरु का गाना मतलब क्या हो गया तीर थोड़ा कुछ फर्स्ट टाइम मिल रहे पता याद याद मेरे को याद <laughs> <नहीं> है है याद ही नहीं वो कौन सा गेम यूज़ बट हाँ, कुछ कुछ वो ना उनसे बहुत ज्यादा सीखा मैंने क्योंकि एक सीन था जिसमें ना मुझे उनको गुस्से होना था भाई सीन में वो मेरे ग्रैंड बने हुए मूवी में तो भाई मुझे गुस्से होना था तो मैंने क्या करा पहले उनके वाले डायलॉग सारे करा लिए थे मैं गुस्से अकेला और ही किसी को हुआ था अच्छा <laughs> उनके ऊपर गुस्सा नहीं मतलब भाई बस... यू गेट नर्वस ब्रो मतलब तो समझो ना आप पहले दिन जा रहे हो आपको सीधा सेट पे मतलब तो आपको इतने तगड़े बंदे के साथ सेट पे खड़ा कर दिया सही हो तो चल भी जाए, जाए। <laughs> वो तो चल ही गया <laughs> 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 सही पे तो करा ही हंसी नहीं आती क्योंकि आपसे मेरा ना मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा जिम्मेवारी थी यार मतलब मेरे को लगता था कि मैं ना कुछ खराब कर दू मतलब जब क्योंकि आप देखो अनुपम सर है, ख, खड़े हैं ईला मैम खड़े हैं ये है वहाँ पे सही है सब तगड़े एक्टर खड़े खड़े हुए मुझे लगता था मेरी वजह से टाइम ना खराब हो किसी का तो भाई मैं थोड़ा ये ये सही कह रहे हो ये भाई हम ऊपर से पता नहीं ना किसी का क्या माहौल है क्या बोल दे अब यहाँ पे सिंगर वाली बात तो चलनी नहीं है यहाँ पे उन्होंने आपको एज एक्टर देखना है बट भाई मैं हूँ शैतान मैंने सब सब रटा हुआ था मैं वेट करता था कब इनका डायलॉग खत्म हो इनका मेरी बारी है चलो डायलॉग बोला था ये बढ़िया मतलब मैं भाई पूरा दिमाग से प्रिपेयर होकर जाता पर था। जब आप दोनों का सीन होता होगा तब आप थोड़े चिल होते हो गए की हाँ ठीक हाँ मतलब इसके साथ टाइम पर स्टार्टिंग में था की भाई ये केमिस्ट्री नहीं बैठ रही ऐसा कुछ या एकदम बैठ गई थी पहले ही सीन केमिस्ट्री हमारा आप बताओ ये केमिस्ट्री की बात है अच्छा नहीं लगता है ये सब आप ही बोल दो अच्छा नहीं उससे पहले हम मिले हुए हैं एक बार हमने द बैंग शो करा हुआ है फर्स्ट टाइम वहाँ पे उसके बाद हमारी फ्लाइट थी सलमान सर के साथ सऊदी से प्राइवेट जेट से हम आ रहे थे ये सई मैं सलमान सर शिल्पा मैम थे मनीष भाई थे सब जाने थे मतलब आठ दस जाने थे टीम के हम हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं ऑलमोस्ट आठ घंटे हमने

पैर रखो गुरु पे, भाई। <laughs> रख दूं जो पे। और मैंने में तो सारी देखी है तो था, तो था, क्या क्या हो रहा है मेरे से ना कुछ करवा दें भाई मेरे तो वैसे पंजाब वाले बंदे खा जाएंगे मेरे को ये सही बात है क्योंकि मेरे को तो दोनों चीजों का ख्याल रखना है भाई अपना जहाँ से मैं आया हूँ गाँव का भी और जहाँ पे अभी हूँ उसका भी

और uh, मज़ा यार आई थिंक एवरीबडी शुड डू एक्टिंग वंस इन अ लाइफ यह बहुत मजेदार प्रोसेस है यार uh, मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट और न्यू है मैंने सारे करेक्टर्स uh, टी वी देख देख के जिया हूँ मैं सारे आर्टिस्टों को देखा है एक्टर्स को वर्ल्ड वाइड उनका क्योंकि मैंने जिंदगी में ना मोटिवेशनल मूवीज़ uh, मैंने रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज़ देखी है जो रियल बंदे थे उनकी की मूवीज़ देखी है तो उनको जिया हुआ है करेक्टर्स को

तो इस पर आपका क्या टेक है मतलब अब ज़्यादा आर्टिस्टिक मूवीज़ ज़्यादा प्रमोट हो रही है कमर्शियल मूवीज़ थोड़ी सी कम देखने को और प्र... चर्चे में कम आती है बेसिकली मेरा कोई टेक नहीं है इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो कोई भी दुनिया में बंदा इंसान काम कर रहा है ना वो बेस्ट ही कर रहा है अब दस मूवीज़ बन रही हैं दो ये तो नहीं बोलते होंगे ना यार मैंने गलत मूवी बनानी है फिर मार्केट में देनी है या चार कह रहे हैं भाई मैं ठीक ठीक बनाऊंगा चार कह रहे हैं मैं जबरदस्त सब कह रहे हैं मेरी मूवी बेस्ट है राइट hmm. मैं अपनी मूवी को सब बेस्ट ही बोलते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है कि क्या ओ टी पे जाएगा क्या थिएटर्स में जाएगा बट uh, जैसे भी रिसेंटली ट्वेल्थ फिल्म मूवी कितनी hmm. चली है तो वो अच्छा वो बताओ आप अगर उस मूवी को वैसे देखो जैसा आपका सवाल है आप उसको कहाँ देखते हो मूवी को थिएटर में या ओ टी टी पे भाई वैसे तो घर बैठ के देखिए तो घर बैठ के देखता है ना बट वो थिएटर में भी चली है मूवी तो मतलब ये किसी के हाथ में नहीं है यार और सब जाने बनाते हैं थिएटर के लिए ये एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन थिएटर लाइक मूवी मीन्स थिएटर राइट अब ओ के लिए स्पेशल अगर कोई शुरुआत ही ऐसी हुई है कि हमने देनी ओ को है यहाँ ओ टी इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड टू डू अ मूवी देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो बट हर डायरेक्टर तो चाहता ना भाई थिएटर में जाए सही आप बताओ थोड़ा यार कि आपने तो काफी स्टार किड्स के साथ चिल करा होगा बॉलीवुड पार्टीज करी होंगी ओरी के साथ आ, हाँ, आ, 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 थोड़ा औरी की, औरी बताओ कैसे ओरी की बहन थोड़ा बताओ कैसे कहीं आप ओरी नंबर फाइव तो नहीं हो मिनियंस तो नहीं हो नहीं ओरी बहुत स्वीट है वैसे यार ओरी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन यार मेरा आपके भी दोस्त है वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है यार वो क्या बात कर रहे हो हाँ मतलब चर्चे, चर्चे में तो अब आ रहे मेरे मतलब आप ही बता दो हाँ है? सही है यार वो भी बंदे ही हैं यार मतलब वो भी हमारी तरह चिल करते हैं अपना मैं ज्यादा पार्टीज में नहीं गया हूँ मैं पार्टी में गया हूँ शुरू शुरू में कोई बताओ ना अपना की मजा आया हो कुछ हुआ हो आप तो यार पार्टी फ्री का आदमी तो हो तो आपके यार... आपका हमने एक लाइव भी देखा था तो हनीपाजी के साथ तो उस वो तो घर पे थे हम यहाँ पर पार पार्टी के तो शौकीन आप मतलब ठीक है एक वो भी तो बढ़िया था जो सुरेश रैना भाई के साथ आप खड़े हो और एक गाना गा रहे हो वीर जारा का भाई के बेटे के जन्मदिन पे था मैं शायद बोलो एक वो भाई भी था अच्छा बाद ये भाई ये तो मैं दोनों बता देना क्या सीन हुआ था क्या वहाँ पे नई बात निकली वो वहाँ पे कुछ नहीं यार वहाँ पे क्या हुआ उसी ना लॉकडाउन था तब तो सब जाने थे बॉम्बे में तो अपने भाई का वो क्लब था तो कह रहे आ जाओ पार्टी करते हैं कोई टेंशन नहीं है तो वहाँ किसी हमारे बड़े खास बंदे ने बोल दिया कि यहाँ चल रही पार्टी इनकी तो लॉकडाउन में कैसे बंदे बीस से ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं हम थे पच्चीस तीस जाने तो वहां फिर वो आ गए थे पुलिस आ गई थी हमारा चलान हुआ बारह बारह सौ रुपए का अच्छा और फिर हमें बिठा के रखा था सुबह तक उन्होंने क्या बात कर रहे हो क्लब ने? के अंदर क्लब के अंदर और बादशाह भाई थे बादशाह भाई निकल गए पीछे से तो ये ज्यादा बन गया कि बादशाह भाई बोला बादशाह भाई नहीं बादशाह भाई का भाई देखो कहते हैं मौके पे चौका मतलब <laughs> उनको उनका मन था वो चले गए हमारा मन नहीं था हम भाई वही रहे बादशाह भाई ने भी टोपी नीचे और

अच्छा के तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबा मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ वाह 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 भाई मजा आ गया बहुत बढ़िया भाई इतना जानदार ये पॉडकास्ट हुआ मजा आ गया आई होप भाई हमारे गेस्ट को भी मजा आया हमारे पॉडकास्ट में बिल्कुल और मैं चाहता हूँ मैं ना आप तीनों के साथ एक पॉडकास्ट करूंगा कभी अगर टाइम लगा दो जब आपका होगा मैं ना आपसे जो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे ना मैं उसके काउंटर आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछन पूछना चाहता हूँ किसी ने पूछे नहीं ना हो गया आपको नहीं भाई, नहीं भाई हमसे पूछता यहाँ पे आगे बैठे उसके क्वेश्चनिंग हो तभी तो मजा आया आपकी फील्ड का भी सेम लेवल पे एक नई इंडस्ट्री चल रही है बिल्कुल तो मैं फिर आपसे पूछूंगा भाई आपका वो वाला एपिसोड उसमें 100 100 भाई मजा तो हमें इस बात का आएगा जेलस फील करते हो आपको कौन लगता है आपका कॉम्पिटिटर कौन है <laughs> भाई देखो मैं सही बताऊं ना हम थोड़े मुँह फट है और अकेला बैठा हूँ यहाँ पे मैं भी बहुत बड़ा मुँह फट हूँ लड़की का लिहाज ले रहा हूँ <laughs> अच्छा, हाँ। करेंगे स्पेशल किसी के बर्थडे वाले दिन है तीन तारीख को भाई उस दिन बाहर हैं तीन कौन सी थर्ड मार्च को बर्थडे वाले दिन क्या है आप अम्बित नाम नहीं होगा उस टाइम पे यार अंडे मानी जा रहे नहीं नहीं जा रहे। नहीं, की बात बात वैसे। का बना ले क्या प्लान? वही अपना। <laughs> हाँ तो है। कोई बात के पास <laughs> <समझ के लगा। laughs> <नहीं। laughs> बट मैं क्या कह रहा हूँ मैं उस दिन ये करूंगा कि आप को मैं काउंटर करूंगा ये पता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन लिख के लेके आऊंगा मैं आपकी इंडस्ट्री की स्टडी करूंगा पूरी दस बंदे भाई आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा हाँ भाई मैं वेला बंदा हूँ दुनिया का मेरे को काम दो यार ये <laughs> अच्छा आपको पता है कितना बड़ा राज वाली बात है कि आर्टिस्ट बंदा ना सबसे वेला बंदा दुनिया का आई अग्री अच्छा मुझे मुझे बताओ मेरे को काम क्या है आई अग्री भाई ऐसा मत बोलो यार कहने को जो मर्जी कहता रहा भाई मैं चौबीस घंटे ये पैक दू मैं डेली रूटीन सुबह में इतने नहीं ब्रो हमारा उठने का मतलब भी नहीं, नहीं है भी नहीं। पैटर्न ही नहीं है कुछ मतलब वो वाला जोन आ चुका है ना मन मन मतलब अपने टाइम से उठ रहे हैं अपने टाइम से आर्टिस्ट शुरू से ही ऐसा है बिल्कुल भाई आर्टिस्ट समय के साथ बदलता नहीं है उसका नेचर वही रहता है आप देखो ना जब देखो तक, तक वो अपना दिमाग खाली नहीं छोड़ेगा खाली पन एक्सप्लोर नहीं करेगा वेला नहीं बैठेगा मूवी नहीं देगा इंस्पायर नहीं होगा फिर मजा कैसे अब आप चौबीस घंटे लोगों में ही घुसे तो कहता हूँ आर्टिस्ट बंदे सबसे वेले किसी के पास कुछ भी काम हो तो मेरे को बता दिया करो भाई उनकी टीम है है भाई बना देती ने। आज सर के पास ये काम है आज सर भाई आपकी तो टीम ने क्या हाइप बनाई क्या आने से भाई पहले भाई मैं मान नहीं सकता सुनो मैं बता रहा हूँ आपको भाई जी सच बता रहा आज वो तक में किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ कल दो बंदे इंस्पेक्शन पे आए सेट कैसा लग रहा है कहना है बट कहीं के थे वो वो क्या वो कहीं बीच के थे क्या

इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं क्योंकि गुरु भाई को अभी शिवम भाई के साथ शूट करना है हम भाई को थोड़ा रेस्ट देंगे चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में आ, हमारे दोनों सुपरस्टार्स की मूवी आ रही है कुछ खट्टा हो जाए गुरु भाई का डेब्यू हो रहा है हाँ मतलब मैं उसके लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ यार मतलब ठीक है मतलब यू शुड लव इट टू वॉच इट मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब वी कैन वी कैन रिक्वेस्ट यू गैस टू वॉच इट बट एट दी एंड कोई बात नहीं मतलब हमने बहुत सिंसियर एफर्ट करा है आप अगर हमारा पोस्टर भी देख लोगे तो हम उसमें भी खुश हैं आप अगर हमें दो मिनट भी दे दोगे गाना सुन लोगे उसमें भी खुश हैं गुरु भाई आपको तो भाई, भाई गुरु भाई देखो असली मज़ा तो खट्टे में ही है तो देखना पड़ेगा ऑडियंस ये हुआ इंटीग्रेशन भाई ये जो लड़के दो आए थे वो सफल हो चुके <laughs>

जिस नंबर से मैं हमेशा टेक्स्ट करता अरे ऑन रिकॉर्ड अब तो कैमरे पे हो गया ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूँ कैमरे के बाद भी ही है यार हाँ। क्या हो गया हाँ। है को, कोई, हाँ। कोई वो थोड़ी है भाई चलो दोस्तों मिलते भाई टेक आगे का हमारा एक प्यारा सा गिफ्ट आप दोनों के लिए इसे खोल के जरा चेक करो आप अच्छा अभी हाँ बताओ हम रिएक्शन लेते ना लाइव की कैसा लग रहा है बस गिफ्ट पूरा हो गया सही का तो <laughs> इनका भी ले भाई ये है हमारी मर्च वो और इस पे ये नीचे मतलब ही नहीं है क्या रखा है सही को इस पे आपके लिए है जो आप मानते भी हो टेक लाइफ टेक लाइफ एज इट कम्स यार क्या बात था और इसका पीछे का डिजाइन भी अच्छा ये सही है। आपकी बॉलीवुड पार्टीज तो के लिए अरे इतना पार्टी नहीं करती बॉलीवुड पार्टीज के लिए इस है, लिखा कभी है। भी अगर जाओ गलती दारू आज चलेगी दारू पीछे से गुरु भाई कह रहे वो वाली मेरे को देनी चाहिए उसके ऊपर आज चलेगी दारू ये भाई आपका डिपार्टमेंट न तो भगवान का नाम लेने वाला थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम थैंक यू बिहाइंड द टीम का भी थैंक यू धन्यवाद सबका थैंक यू गाइस मिलेंगे दीदी का भी थैंक यू हां जी चाय पानी पिलाने के लिए थैंक यू थैंक यू जी ओके जी बाय बाय